तो फिर से हाजिर हो गया हूं और एक नया Q&A एपिसोड में, जहां पे होगा आपका सवाल और मैं दूंगा आपके हर एक सवाल का उत्तर, यानी आपका हर एक डाउट्स क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम यहाँ पे घोषित करना चाहता हूँ, जो मुझे हर एक वीडियो में कमेंट करता है, लाइक करता है। तो पहला है कुणाल गुरके। तो कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हर एक वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। जो सेकंड है वह है अनिल कुमार। मिस्टर अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा वीडियो आप लगातार देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और लाइक और कमेंट्स तो करते ही हो। जो नेक्स्ट है वह है कनब गुप्ता। मिस्टर कनब गुप्ता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हर एक वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, साथ में आप जो कमेंट्स करते हो वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है चंदन देवनाथ। चंदन जी, लगाव है मुझे आपसे, क्योंकि आप मेरे हर एक वीडियोस को लगातार देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और आपका कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो तो चलता रहेगा, साथ में मेरा जो सिलसिला है बातों का वो भी तो लगातार चलता रहेगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बात के बारे में सूचित करता हूं। मेरे चैनल पे बहुत जल्द Asus ZenFone Max Pro M2 का गिवअवे स्टार्ट होने वाला है और इसके बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, वेट कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो झट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा, स्पेशली आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आपका जो पहला सवाल है वो है, सर Asus ZenFone Max Pro M2 लू या ZenFone Max Pro M1? तो अभी के लिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि यहां पे जो ZenFone Max Pro M1 है वो तो अच्छा फोन है, पर अभी के लिए रुक जाइए। ZenFone Max Pro M2 में आपको Qualcomm Snapdragon 660 मिलता है, साथ में आपको Corning Gorilla Glass 6 मिलता है और Amazing AI फीचर्स भी मिलता है। तो आप ZenFone Max Pro M2 के साथ ही जाओ, ये तो मेरा ओपिनियन है। अब आगे आपके ऊपर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, सर Asus ZenFone Max Pro M1 में पाई का अपडेट कब आएगा? देखिए, मुझे जितना ज्ञान था वो जनवरी तक आना चाहिए था, पर अभी सुनने में आ रहा है Asus ZenFone Max Pro M1 में आपको फरवरी तक अपडेट मिल जाना चाहिए, यानी जरूर मिलेगा। यानी ये भी हो सकता है जनवरी से Asus स्टार्ट कर देगा इसका जो अपडेट है पाई का वो रोल आउट करना, तो हर एक को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो सकता है जनवरी से फरवरी के अंदर। आपका जो नेक्स्ट सवाल, सर Asus ZenFone Max Pro M2 में क्या डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है और नेटिव वीडियो कॉलिंग? यस सर, Qualcomm Snapdragon 660 मिलेगा आपको Asus ZenFone Max Pro M2 में, साथ में डुअल 4G वोल्टी भी मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये मुझे काफी निराश किया, क्योंकि ये जो Asus ZenFone Max Pro M1 है इसमें पहले तो आता था वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, पर अभी ये गायब है। यही शिकायत है मेरा Asus से और यही निवेदन है मेरा Asus से कि आप इस फीचर्स को प्लीज इनेबल कर दीजिए, ये हमें चाहिए। आपका नेक्स्ट सवाल, सर Redmi 5A में MIUI 10 स्टार्ट हो गया है रोल आउट, क्या इसमें फेस अनलॉक का फीचर्स दिया गया है? अभी तक नहीं। हाँ, एंड्रॉइड पाई आपको अभी नहीं मिलेगा, पर यहां पे MIUI 10 जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन है वो तो दिया गया है, पर जो फेस अनलॉक का फीचर्स है वो अभी तक मिसिंग है Redmi 5A में। आपका नेक्स्ट सवाल, सर कौन सा फोन अच्छा रहेगा, Redmi 5A या Redmi 6A? देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे Redmi 6A के साथ Redmi 5A को, तो 6A तो बेहतर है, पर बहुत जगह ऐसा भी है। मैंने इस फोन को यूज किया है, मैंने अनबॉक्सिंग दिया है, रिव्यू दिया है, मुझे तो पर्सनली Redmi 5A बेहतर लगा, क्योंकि Redmi 6A में बहुत दिक्कत होता है और ये लैग भी करता है। आपका नेक्स्ट सवाल, सर Asus ZenFone Max Pro M2 में क्या नोटिफिकेशन LED लाइट है? सर Asus ZenFone Max Pro M2 में मल्टी कलर नोटिफिकेशन LED लाइट है। आपका नेक्स्ट सवाल, सर Asus ZenFone Max Pro M2 में क्या USB Type-C और फास्ट चार्जिंग है? सर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही फीचर्स आपको
इस फोन में नहीं मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 तो क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है, पर ASUS ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। साथ में USB टाइप सी इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 में फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड और EIS है? अभी के लिए पोर्ट्रेट मोड मिसिंग है ASUS ZenFone Max Pro M2 में, EIS भी मिसिंग है, पर बहुत जल्द जो OTA अपडेट आएगा आपके फोन में Max Pro M2 में, इसमें आपको मिल जाएगा जो EIS और पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 में पाई का अपडेट कब तक आएगा? सर आप निश्चित रहो, आपको दिसंबर या जनवरी तक इसमें भी आपको पाई का अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 वर्सेस Realme U1 कौन सा लेना चाहिए? मैं तो आपको यही कहूंगा, आप ASUS ZenFone Max Pro M2 के साथ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 660 मिलता है, आपको Corning Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन मिलता है, NXP स्मार्ट एम्पलीफायर मिलता है और 4K वीडियो EIS भी मिलता है। तो आप विदाउट एनी डाउट आप चलिए ASUS ZenFone Max Pro M2 के साथ। नेक्स्ट सवाल, Realme 2 Pro वर्सेस ASUS ZenFone Max Pro M2, यहां पे भी मेरा उत्तर सेम होगा, आप ASUS ZenFone Max Pro M2 के साथ जाइए, क्योंकि Realme 2 Pro से इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ा सा बेहतर है, साथ में ग्लास प्रोटेक्शन भी है, पर Realme 2 Pro में ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से ZenFone Max Pro M2 आपके लिए बेहतर होगा। आपका नेक्स्ट सवाल, ASUS ZenFone Max Pro M2 में पीछे कोई भी प्रोटेक्शन है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ASUS ZenFone Max Pro M2 में पीछे में प्रोटेक्शन है, बल्कि वो नहीं है, पर आपको 3D ग्लास टाइप एक फीचर्स मिल जाएगा, यानी जो एहसास है वो थोड़ा सा आपको नया लगेगा, पर ये भूल मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, सर आपके चैनल में ASUS ZenFone Max Pro M2 का रिव्यू अनबॉक्सिंग कब आएगा? सर देखिए 18th ऑफ दिसंबर को इसका फास्ट सेल लगने वाला है और उसी दिन मैं इसको खरीद लूंगा और आपके साथ जल्द से जल्द इसका अनबॉक्सिंग, कैमरा रिव्यू, और यहां पे आप देख सकते हो ZenFone Max Pro M1 इसके साथ कंपैरिजन, और आपको बहुत सारा अनबायस्ड रिव्यू भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 क्या फ्लैश सेल में आएगा या ओपन सेल में? देखिए सर ये फ्लैश सेल में ही आएगा, इसका जो CEO है उन्होंने ये कहा है कि स्टॉक बहुत ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिलना पॉसिबल है। नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 में क्या EMI का ऑप्शन मिलेगा? सर मिलेगा, HDFC बैंक का मिलेगा, एक्सिस बैंक का मिलेगा और बजाज फिनसर्व का भी EMI ऑप्शन आपको मिल जाएगा 3 महीना और 6 महीने के लिए, साथ में 99 रुपीज में आपको कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 का जो टाइटेनियम कलर है वो क्या अवेलेबल होगा फर्स्ट सेल में? नहीं सर, वो इस महीने के एंड तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 में क्या Google Pixel 3 कैमरा हम यूज कर सकते हैं? सर फोन तो आने दीजिए, जैसे मैं ASUS ZenFone Max Pro M1 में ये दिखा दिया था कैसे आप Google Pixel का जो कैमरा है 3 का कैमरा है वो कैसे आप यूज कर पाओगे, वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है ASUS ZenFone Max Pro M1 में आप Google Pixel 3 कैसे यूज कर सकते हो कैमरा, तो वही सेम वीडियो फिर से आ जाएगा Max Pro M2 के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका नेक्स्ट सवाल, सर पोको A1 में कैसे इंस्टॉल करें Google Pixel 3 कैमरा को, क्योंकि ये बहुत ही क्लैश हो रहा है। A1 में आप Pixel 3 कैमरा को कैसे यूज करोगे? सिर्फ कोई छोटा सा एक स्टेप है वो आपको फॉलो करना होगा, यानी लिंक, और ये जो Google Pixel 3 का लिंक है वो भी मैंने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो जाइए इंस्टॉल कीजिए, कोई क्रैश नहीं होगा। आपका नेक्स्ट सवाल, सर ASUS ZenFone Max Pro M2 का कौन सा वेरिएंट लिया जाए? सर 6GB और 64GB इस वेरिएंट को छोड़ के जिसका प्राइस है 17,000 के आसपास, इसको छोड़ के आप कोई भी एक वेरिएंट ले सकते हो। आपका नेक्स्ट सवाल, सर मी A1 में क्या पाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है? देखिए ये सुनने में आ रहा है हाँ मी A1 में मिलना स्टार्ट हो गया है, पर अभी तक मुझे नहीं मिला, मैं तो वेट कर रहा हूं, और डुअल 4G वोल्टी का भी ऑप्शन आप मी A1 में मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल, ASUS ZenFone Max M2 कैसा होगा? देखिए ये रहा Max M1 और इसका ही सक्सेसर है Max M2, मैं तो आपको यही कहूंगा Max M2 लेना सही नहीं रहेगा आज के तारीख में, क्योंकि फुल HD डिस्प्ले भी नहीं है, और हाँ यहां पे आपको 632 मिलता है, छोटा थोड़ा सा नया प्रोसेसर, पर अगर आप M2 ही लेना चाहते हो तो व्हाई नॉट M1। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल,
सर, जो Xiaomi की तरफ से सुनना में आ रहा है कि 7A, 7 और Redmi 7 Pro आएगा, क्या ये सच है? हाँ सर, ये जो 7A, 7 और 7 Pro हैं, ये दिखा गया है और किना सर्टिफिकेशन में, और ये बहुत जल्द चाइना में भी लॉन्च हो जाएगा और आपको भारत में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है, तो वहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर पुश कीजिएगा और आपको अपडेट मिलता रहेगा, और मेरा गिव अवे के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।